हेलो नमस्कार। आज करते हैं राजस्थान जीके का पार्ट टू। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? ए में है जयपुर, बी में कोटा, सी में बूंदी, डी में झालावाड़ा। इसका सही आंसर आएगा कोटा में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में नवविवाहितों और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर, तीज, दशहरा, उपेक्षवी। तो ये तो गणगौर तो विवाहित द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो तीज। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? उदयपुर में, बूंदी में, सिरोही में, करौली में। तो सिरोही में। अगला क्वेश्चन, कुलदेवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? जयपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में, हाड़ौती में। मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में। उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? कोटा में, बारा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में। तो डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेद व पुराण, रामायण, जयंत अवेस्ता, बाइबल। राइट आंसर जयंत अवेस्ता। अगला क्वेश्चन, कौन सा धर्म सनातन धर्म है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, मानव धर्म, जैन धर्म। तो हिंदू धर्म। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप राजस्थान जीके के, ये राजस्थान में जितने भी वैकेंसी होती हैं उसमें आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चित्रशाले के अवशेष मिलते हैं? आमेर जयपुर में, मेरठ जयपुर में, सांगानेर जयपुर में, उपेक्षवी। तो विराट जयपुर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल, कुरान, वेद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कुरान। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में दरगाह शरीफ है? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, कोटा में। तो अजमेर में। लोकेशन, राजस्थान में ढाई दिन का जोपड़ा कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, सीकर में। अजमेर में। अगला क्वेश्चन, कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? निम्बारक, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म।
वैष्णव धर्म के लोग कृष्ण के बचपन की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, संत मुनि को, किसी को भी नहीं। महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे, विभीषण मंदिर कहाँ पर है? केथुनकोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। राइट आंसर होगा केथुनकोटा। ये एकमात्र मंदिर है विभीषण का। एकमात्र मंदिर है। अगला क्वेश्चन, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? गोगो जी को, तेजा जी को, मल्लनाथ जी को, देवनारायण जी को। इसका राइट आंसर आएगा देवनारायण जी को। अगला क्वेश्चन, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या बीकानेर में? जयपुर में स्थित है। और जयपुर में कहाँ पर स्थित है ये पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो बताना है आपको जोबनेर। जोबनेर, जोबनेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, रुमाल की देवी किस माता को कहा जाता है? रुमाल की देवी किस माता को? तनोट माता, शिमला माता, आई माता, बड़ली माता। तो तनोट माता कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और एक बात और बता देता हूँ, बीएसएफ के जवान उनकी आराधना करते हैं। ये बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी माना जा सकता है इसको। ठीक है, यह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंच माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर। राइट आंसर बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे, त्रिकुट के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। तो राइट आंसर होगा जैसलमेर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है ITI वाई पवन, और लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि और सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।